बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कि जो भी गाना आता है ओके उसमें आप प्यार महसूस कर रहे हैं। Exactly. So what makes the world go round? It's love. It's प्यार। और इसी प्यार को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं थोड़ी देर में। हम ऑफ कोर्स आपको गाना चाहते हैं। You can tell me. I want you and I'll give you a mic. No. It's too loud, right? Okay. Dada. I haven't met you guys yet. Hi, how are you? Good, well done. Okay, we'll all say good morning. 1, 2, 3. Good morning! Fabulous, well done. Now, all of you give yourselves a big hand. Zodar Alia. Okay, guys, we have first practice ki hum sab bataenge kya kya hai. 1, 2, 3. वेरी गुड। सबको एक बार फिर हाथ। वेरी गुड, वंडरफुल। अब मैं जो हूँ चाह रही हूँ, बहुत
Are we covering him? उनका फेस ये सर नजर आ रहा है फेस आ रहा है आई एम कवरिंग हिम ऐसे बैठे क्या नहीं हमारा जी दिख रहा है थोड़ा सा इधर आ जाओ आई होप यू कैन सी या 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 वी कैन सी दे कैन सी तन्वी सर कल के साथ सर करता है गुड टू सी यू इतनी सुबह इतना एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ये कैसे आइडिया आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए देखिए मेकिंग करेक्ट क्योंकि हो सकता है पहले से हो रहा हो मुझे मैं वाकिफ ना नहीं असल में हुआ ये कि 14 जनवरी 2019 को कैफ़ी साहब की 100th बर्थडे सेलिब्रेशन है तो ज़ाहिर है हमने ये तय किया था कि सारा साल जश्न मनाएंगे और जश्न जो है सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई शहरों में है और यूके में भी है और यूएसए में भी हो रहा है तो इसमें अलग अलग चीज़ें हो रही हैं फिर बैठे बैठे हमको ये ख्याल आया कि कैफ़ी साहब बच्चों को बहुत चाहते थे उनके साथ आपने ये जब तस्वीर देखी तो आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे उनको लिपटे में हैं तो बच्चों के लिए क्या करना चाहिए तो इस तरह से ये आइडिया आया कि अगर कोई पेंटिंग और ड्राइंग का कंपटीशन करें जिसमें बच्चे कैफ़ी की किसी नज़्म के टाइटल पर वो लिखें तो फिर लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए फिर किसी ने कहा कि प्यार का जश्न उनकी एक बहुत फेमस नज़्म है उसको बना के इस तरह से आइडिया आया जी मुझे इसी बात की खुशी है कि हम जो कंपटीशन कर रहे हैं वो एक सेलिब्रेशन ऑफ लव है तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि बच्चों के क्या इंटरप्रिटेशन है हम एज एडल्ट्स इसका इंटरप्रिटेशन कुछ और ही देते हैं अब बच्चे जब कुछ बनाएंगे तो हमको उससे कुछ शायद इंस्पिरेशन मिले टू हैव मोर एंड मोर सच प्रोग्राम्स एंड वी माइट पिक अप समथिंग फ्रॉम विच हमको ऐसे लगे कि इस बेसिस पे हमको कुछ और करना चाहिए सो हमको लगता है दिस विल प्रॉबेबली बी एन ओपनिंग फॉर अस टू क्योंकि साल भर के ये सेलिब्रेशंस होने वाले हैं तो शायद बच्चे हमें कुछ आइडिया दे दें और बच्चों के साथ तो एनर्जी अलग ही होती है तो स्पेशल किट भी हैं वो भी आमंत्रित हैं मुझे कहा था वो भी पेंटिंग कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं ये किसका आइडिया कि वो भी हिस्सा है और एक अलग पैगाम एक अलग मैसेज जाता है नहीं लेकिन देखिए हमारे नज़र में जो है कोई भी बच्चा वो कहाँ से भी हो किसी भी तबके का हो बच्चा बच्चा होता है और इसके बारे में जिक्र करना भी मैं समझती हूँ कि सही नहीं है क्योंकि एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी है तो जो जिस बात का ख्याल रखा गया है वो ये है कि हर तबके के लोग और हर तरह के बच्चे इसमें हों बच्चे बस बच्चे होते हैं नहीं और ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो बहुत चाहते हैं कि वो इंक्लूड हो जाए एंड दैट गिव्स देम द कॉन्फिडेंस असल में होता क्या है कि उनमें कॉन्फिडेंस है अडल्ट्स को नहीं पता रहता है कि उनके साथ हाँ, किस तरह से वो मिक्स हाँ, करें और तो अडल्ट्स के लिए भी नॉर्मलाइज करना सिचुएशन को ताकि आपको डर नहीं लगे कि कोई मैं गलती तो नहीं कर दूँ कुछ हो जाएगा जस्ट बी नॉर्मल जस्ट इंटीग्रेट दैम जब भी मैं आपसे मिलता हूँ मुझे बड़ा एहसास होता है कि आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही होगी कैफी साहब से अनगिनत इवेंट्स आपकी तरफ से आते हैं मतलब आई गेट गूज़बम्प्स एंड व्हेन आई सी यू एज अ डॉटर योर रिलेशनशिप विद योर फादर कुछ यादें ताज़ा होती हैं जब भी और अनगिनत बार आप जिक्र करती हैं इमोशनल होना तो लेकिन इमोशनल हर बार होती रही है लेकिन कुछ यादें जो बहुत इमोशनल कर देती हैं आपको कैफी साहब को कैफी साहब मुझे लगता है मैंने इतना ज़्यादा कैफी साहब के बारे में बोला है कि आप तन्वी जो उनकी बहू हैं उनसे पूछिए क्योंकि ससुर और बहू का कैसा रिश्ता था देखिए जब कैफ़ी साहब ने औरत नज़्म लिखी थी आज से 70 साल पहले तो सिर्फ वो एक नज़्म लिखी नहीं थी उनकी ज़िंदगी में उसने उसको उतारा था तो चाहे वो उनकी बीवी हो चाहे वो बेटी हो चाहे वो बहू हो जो उन्होंने कहा ठीक वैसा ही उनका व्यवहार रहा है तो पहले तन्वी बताएँ कि कैफ़ी साहब के साथ क्या रिश्ता था कैफ़ी साहब के साथ तो ससुर और बहू का था ही नहीं बाप बेटी का ही था और अंदर की बात मैं आपको बता दूं कि शबाना जी ज़रा जलती भी थी क्योंकि मुझे काफ़ी सारा प्यार मिलता था कैफ़ी साहब से तो किस्सा सुना दो नहीं मैं ही बताती हूँ वो किस्सा असल में क्या है कि कैफ़ी साहब मुझे जो है मेरे गुलाब का फूल
कहते थे हमेशा। हाँ, अब तन्वी भी आ गई। तो एक दिन मैंने सुना कि ये तन्वी को शबाना थी नहीं कमरे में, तो उस वक्त अब्बा जो है जरा प्यार से मुझे लाड़ कर रहे थे और कह रहे थे मेरे गुलाब का फूल, मेरे गुलाब का फूल। तो जब ये निकली तो मैंने जाके कहा आप सारी उम्र मुझे गुलाब का फूल कहते हो और अब आप अपनी बहू को कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो कहते नहीं नहीं तुमने गलत सुना, मैं तो उसको गोभी का फूल कह रहा। तो ऐसा पटाते थे वो हम सब लोग। इसके बाद और क्या करने की तैयारी है जश्न के माध्यम से या मेजबान के माध्यम से, और किस बिना पे जैसे उम्र का भी दखल किया है कि 10 से 15 साल तक कैसे आपने पूरा जीरो डाउन किया, कैसे प्लान किया कि ये स्कूल या ये बच्चे या जो जो बच्चे तो हिस्सा बनना चाहे बन सकते हैं, लेकिन उम्र का? और देखिए ये सोचा गया था कि क्योंकि ये नज्म के उन्वान पर है तो ऐसे बच्चों को ले जिनके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो। अगर बहुत छोटे बच्चों को ले लेंगे तो शायद उनके लिए इसको हज़म करना मुश्किल होगा, तो इस बात का ख्याल रखा गया। फिर जो जुहू सिटीजन्स वेलफेयर ग्रुप है वो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि कैफ़ी आज़मी पार्क बनाया ही गया था इस ख्याल से कि यहाँ अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ हों, क्योंकि कैफ़ी साहब ख़ुद इतने एक्टिव इंसान थे। तो फिर उन्होंने हमको सपोर्ट किया और सही मानों में नैना दास गुप्ता जो हैं उन्होंने ये पूरा कंसीव किया है इनके साथ, जबीन के साथ। सो वी आर वेरी हैप्पी। आप इतना सही बात कह रहे हैं, इस बात को मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि मुल्क के बाहर ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें प्रोडक्शन सिखाया जाता है, यहाँ तो प्रोडक्शन के लिए आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए और किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं। मुझे लगता है कि ये बात जो है ख़ास तौर से जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनको ये समझाना ज़रूरी है कि दैट ऑल्सो नीड्स ट्रेनिंग। आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। No, it has to be incorporated in the syllabus only. It can't be something, मतलब अभी जैसे ये बाकी direction and cinematography and acting schools होते हैं उसी के अंदर production has to be a part of that. हाँ, मगर जो है institutions like FTII, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट या सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट जो कि government जिनको subsidize करती है, उसमें तो यकीनन इसको include करना चाहिए। आखिरी सवाल, और मैं उम्मीद करूंगा शबाना जी नाराज ना हो, सवाल कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान ने कहा है कि वो इंडियन कंटेंट को बैन कर दिया है, और उस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए ये बहुत ज़्यादा तकलीफ की बात है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़ता है, जो लोगों को अलग नहीं करता है। तो हमको ये भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये पाकिस्तान के लोग नहीं चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान के सियासतदान चाह रहे हैं, हमारे भी सियासतदान ऐसा चाह रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ये आप हमारे हाथ बांध देते हैं जब आप कहते हैं कि आप इंडियन कंटेंट को नहीं अलाउ करेंगे, तो आपने हमारे हाथ बांध दिए, फिर हम भी रिटेलिएट होकर कहेंगे कि हम आपका कंटेंट। तो जो एक इतना बड़ा हमारे पास इतनी बड़ी सहूलत है कि हम एक ही सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हमारे टैलेंट्स इकट्ठा करके हम इसको कितना बड़ा रीजन बना सकते हैं, लेकिन इस तरह की अगर आप सख्त व्यवहार करेंगे हमारे साथ तो हमारे पास कोई कोई चारा नहीं रह जाता, जो कि बहुत तकलीफ की बात है। क्योंकि जैसे कि फैज़ अहमद फैज़ की जो बेटियां हैं वो फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल करके कितनी कोशिश करती हैं कि हम सियासतदान अपना काम करते रहें, हम जो हैं वो प्यार का रिश्ता एक दूसरे के साथ नहीं तोड़ें, क्योंकि अभी भी इतने सारे परिवार इतने सारे ख़ानदान हैं जो कि आधे वहाँ हैं आधे यहाँ हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो हमको इतनी इज्जत मिलती है, जब वो हमारे पास आते हैं तो हैरत ज़दा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बाप रे आप तो बिल्कुल हमारी ही तरह हैं। तो ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है जिसमें जो आप सुनते हैं करते हैं और जब आप रियल लाइफ में मिलते हैं तो जो फ़र्क आपको मिलता है वो बहुत है, और ख़ास तौर से कला के लिए मैं समझती हूँ बहुत ही ज़रूरी है। ओके ओके ओके।